आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। प्याज कब किसको समस्या में डाल देगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसमें किसान, व्यापारी और उपभोक्ता सभी शामिल हैं। लासलगांव कृषि मंडी समिति में हर दिन प्याज के दाम घटने से प्याज उत्पादक किसान आर्थिक संकट में फंस गए हैं। उन्हें संकट से बाहर निकालने के लिए प्याज का अच्छा दाम मिलना आवश्यक है। इसके लिए व्यापारियों के साथ लासलगांव कृषि मंडी समिति प्रशासन की ओर से प्रयास जारी है। ऐसे में कंटेनर का किराया बढ़ने से प्याज का निर्यात प्रभावित हो गया है। इससे राहत देने के लिए केंद्र सरकार से 10% निर्यात अनुदान देने की मांग की जा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के सुख सागर आदि स्थानों पर लाल प्याज की आवक बड़े तौर पर हो रही है। लासलगांव सहित नासिक जिले की प्रमुख मंडी और अहमदनगर, पुणे जिले के चाकड़ और सोलापुर कृषि मंडी समिति में लाल प्याज के साथ गर्मी के प्याज की आवक शुरू हो गई है। परिणाम स्वरूप प्याज के दाम हर दिन गिर रहे हैं। लाल प्याज की सर्वसाधारण दर 750 रुपये तो गर्मी के प्याज की सर्वसाधारण दर 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई है। इसके चलते प्याज उत्पादक किसानों का खर्च भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लाल प्याज की आवक 15 से 20 दिनों में खत्म हो जाएगी तो गर्मी के प्याज की आवक बड़े तौर पर होगी। गर्मी की प्याज 5 से 6 महीने तक ठीक ठाक रहती है, इसलिए विदेश में गर्मी के प्याज की अधिक मांग होती है। विदेश में प्याज निर्यात करने के लिए कंटेनर का किराया दोगुना बढ़ने से प्याज निर्यातक व्यापारी परेशान हो गए हैं। लासलगांव से 76 देशों में प्याज का निर्यात होता है। दुबई में प्याज ले जाने के लिए कंटेनर को किराए के रूप में $2000 देने पड़ते हैं। अब वही किराया $3000 हो गया है। वहीं श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया के लिए कंटेनर $1900 में मिलते थे, अब वही कंटेनर $2500 से अधिक के हो गए हैं। इन सभी के चलते प्याज का निर्यात प्रभावित हुआ है और इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अनुदान देने की मांग प्याज व्यापारी कर रहे हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।